told your friend you're not okay and tell me what's wrong. मैं ऐसे ही बाइक मतलब चढ़ा दिया, ठीक है, और मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो साला कोई है ही नहीं। मैं मतलब क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इधर कोई दिख ही नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी हम एक ऐसा जगह चलते हैं जहां इन सुनसान सड़क से, जो इस घना जंगल झाड़ और पहाड़ से होकर गुजरता है। दोस्तों मैं पहले ही वीडियो में बोला था कि मैं 40-50 किलोमीटर के रेंज में जितना भी पहाड़ पेड़ झरना दिख रहा है, मैं सभी जगह घूम घूम कर आपको लोकेशन दिखाऊंगा। तो अभी देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लोकेशन आता है वहाँ पर दिखता है, मैं आपको वहाँ पर ले चल रहा हूँ। देखिए उधर एक डैम है, बांध, और उस डैम में जितना भी मतलब बारिश होता है पहाड़ का पानी उसमें जमा होता है और काफ़ी अच्छा लोकेशन दिखता है। तो पता नहीं उस डैम में अभी पानी जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, चलते हैं उस डैम के पास। ये देखिए दोस्तों, पर्यटक यात्री शेड, ये चटनिया डैम केतार है। साथ में और कोई होता तो कुछ अलग ही मजा होता, लेकिन अभी अकेलापन का कुछ और अलग ही मजा है। बड़ी दूर चले आए चलते चलते। दोस्तों अकेले अकेले घूमने में क्या ही मजा है, मैं अभी मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अकेले ऐसे नहीं घूम रहा हूँ जैसे कोई मतलब बहुत भीड़ भाड़ है और मैं अकेला हूँ। यहाँ पर तो साला कोई है ही नहीं। मैं चाहूँगा कि मतलब मेरे साथ कोई रहे तो भी मतलब कोई मेरे साथ आ नहीं सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इधर कोई दिख ही नहीं रहा है। दोस्तों ऐसा सीन हम लोग वॉलपेपर में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ लाइव देख रहे हैं तो कुछ अलग ही फील हो रहा है। और देखिए यहाँ वादियाँ ही वादियाँ नजर आ रहा है। ऐसा आउट कंट्री में तो मिलता ही है, लेकिन इंडिया के बहुत कम ही स्टेट में ऐसा ऐसा लोकेशन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना मस्त लोकेशन दिख रहा है। हमारे नज़दीक जो झारखंड स्टेट है वहाँ पर भी ऐसा ऐसा लोकेशन है, झारखंड में भी ऐसा ऐसा लोकेशन है, जो कि मतलब बहुत लोग इस लोकेशन का शेयर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि काफ़ी आउट एरिया में पड़ता है, और हम आउट एरिया आ गए हैं। शाम होते होते तक मेरा दिल भी धक धक करने लगता है इसलिए, क्योंकि बहुत सारा जानवर भी मिलता है, वैसे तो शेर नहीं मिलता लेकिन सियार मिलता है ज़रूर। तो फिर भी हम लोग जानते हैं कि कैसा एरिया से पले बड़े हैं, तो सियार और ये सब से हम लोग डरते नहीं हैं, तो इसलिए मैं अकेले अकेले घूम रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलिए आगे निकलते हैं यहाँ से। तो चलते हैं हम लोग इसके अपोजिट साइड, और चलते चलते ये देखिए डैम का कुछ लोकेशन जो बेहद शानदार दिख रहा है। और हम लोग इस सुनसान रोड को तय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलते चलते हम काफी दूर आ गए हैं, और ये देखिए अभी ये सब जो भेड़ी है वो सब चर रही है अपना घास उस। ये देखिए उधर उधर से हम आए, उधर से रोड था पूरा, क्योंकि इधर का जो रोड है ना काफ़ी जिलेबी जैसा है, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ, जो कहते हैं ना भेड़ी की चाल, जहाँ एक गई तो सब वहीं पे जाती है, जैसे मतलब इन लोग दिखता नहीं है कि आगे क्या है, ठीक है, जैसे जैसे एक भेड़ी जाती है वैसे वैसे सब जाता है। तो देखिए सब जो देखिए वहाँ से जैसे गया लाइन लगा के सब गया। फिलहाल यहाँ से हम निकलते हैं, और ये देखिए उधर झाड़ में खड़ा कर दी है, वो मेरा बाइक है, और यहाँ से देखिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गया है, मैं उधर से आया था, देखिए उधर से आया था, मतलब इतना सन्नाटा इतना सुनसान रोड है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इधर मैं जा रहा हूँ
और उधर बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन है, उधर का आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। और वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये आपको दिखाने के लिए। और साथ साथ आप भी चलिए मेरे साथ, अभी तो मेरे साथ कोई है नहीं, सला कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ अजीब सा लग रहा है मेरे को, इसलिए आप रहिए, आप रहिएगा साथ में तो मेरे को अजीब सा नहीं लगेगा। और उधर मैं देखिए जो डैम का दिखाया ही था, मैं डैम के अपोजिट आ गया उस पर। फाइनली हम पहाड़ के ऊपर आ गए हैं और बहुत रास्ता ख़राब था और मैं अपना बाइक भी ऊपर पहाड़ के ऊपर ले आया, जबकि देखिए आपको बहुत नीचा दिख रहा होगा उधर रोड, मैं ऐसे ही बाइक मतलब चढ़ा दिया, ठीक है। और इधर कोई बाइक ले आता नहीं है लेकिन फिर भी देखा मैं और चढ़ा दिया बाइक। दोस्तों झारखंड में मैं कुछ धार्मिक स्थल का वीडियो शूट करने आया था जो कि बहुत पुराना बहुत प्राचीन है, लेकिन इधर का लोकेशन देख करके हम मजबूर हो गए क्योंकि इतना ज़बरदस्त इतना मस्त दिख रहा है ना ये सब लोकेशन कि सोचे थोड़ा वीडियो शूट ही कर लेते हैं। मैं कुछ लोगों से पूछा था कि इसमें पानी कितना जमा हो जाता है, तो पानी उधर जो पहाड़ है उधर तक मतलब टच कर जाता है, पूरा सट जाता है। अभी जो बारिश होगी स्टार्ट तो पूरा पानी भर जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम पहाड़ के कुछ ऊंचाई से वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल और पहाड़ दिख रहा है। और वो जो पर्यटक सेट बनाया गया है जो वीडियो के शुरुआत में हम दिखाए थे, ये जो डैम है इसको तालाब बोलिए बड़ा सा या डैम बोलिए, इसको डैम ही बोलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, उधर पूरा पहाड़ के घिरावा से बना है। और ये जो पानी स्टोर होता है यहाँ पे, तो यहाँ से जो पानी स्टोर होता है वो खेत सिंचाई होता है। तो दोस्तों हम निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने घर की ओर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।